ये आसान सा टॉपिक भी देखने आ गए आप लोग। चलो कोई बात नहीं, अब आए हो तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना, क्योंकि आज वाक्य भेद पहचानना, वाक्य परिवर्तन करना और उपवाक्य छांटना, इन तीनों को बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान सी सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। वाक्य के भी दो प्रकार के प्रकार होते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और एक रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 होते हैं, जो हैं ये, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे। कुछ वाक्य देखिए, पहला है राम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा है राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, और तीसरा है राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। इन तीनों वाक्यों में सबसे पहले हमें क्रिया छांटनी है। वाक्य में जो काम हो रहा है वह क्रिया होती है, जैसे इसमें पढ़ना क्रिया है, इसीलिए पढ़ता है क्रिया हुई। इसमें पढ़ता है और खेलता है, दो क्रियाएं हैं, और इसी तरह से इसमें भी कहना और खेलना, यानी कहा और खेलता है, दो क्रियाएं हैं। अब ध्यान से देखो, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है वह वाक्य 100% सरल वाक्य ही होगा, और जिस वाक्य में दो या दो से ज्यादा क्रिया होंगी वह संयुक्त वाक्य भी हो सकता है और वो मिश्रित वाक्य भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा होगा, आइए समझते हैं। ध्यान से देखो इन दो वाक्यों को, इनमें से एक वाक्य में दो पूरे पूरे वाक्य हैं और एक वाक्य में एक अधूरा है और एक पूरा है। जिसमें दो पूरे पूरे वाक्य हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा 100%, और जिस वाक्य में एक अधूरा है, दूसरा अधूरा हो या पूरा इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक अधूरा होना चाहिए, वह पक्का मिश्रित वाक्य ही होगा। पूरा वाक्य होने से क्या मतलब है यह भी समझा देता हूं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, ये दोनों पूरे पूरे वाक्य हैं, यानी ये दोनों अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं। अगर हम राम पुस्तक पढ़ता है को अलग या स्वतंत्र लिख दें तो यह पूरा अर्थ देगा, हम इसे अलग से लिख सकते हैं। ऐसे ही श्याम क्रिकेट खेलता है को अगर हम अलग लिख दें तो यह भी पूरा अर्थ देगा, इसे भी हम अलग से लिख सकते हैं। तो दो क्रिया आने की वजह से और दोनों वाक्य पूरा पूरा होने की वजह से यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब इसमें देखो, राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, लेकिन इस वाक्य में एक अधूरा वाक्य भी है, जो है राम ने कहा। यह अपने आप में पूरा नहीं है, इसे हम स्वतंत्र रूप से लिख भी दें तो यह अपने आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जैसे अगर आपको कोई कहे, मान लो आपने, आपको किसी ने कहा कि राम ने कहा, अब आप सोचने लग जाओगे कि शायद आगे कुछ कहेगा वो, है ना, सामने वाला कुछ कहने वाला है, तो आप इंतजार करोगे, इसीलिए इसे हम अधूरा कहेंगे। और श्याम क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य अधूरा हो या पूरा इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक वाक्य अधूरा होना चाहिए, तो वह अपने आप ही मिश्रित वाक्य बन जाएगा। बात यहां तक समझ में आई तो यस और नो का कमेंट करना मत भूलना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बात अच्छे से समझ गए। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। राकेश मोहन के घर गया। अब इस वाक्य में गया शब्द क्रिया है और सिर्फ एक ही क्रिया है, और तो है नहीं, इसीलिए यह सरल वाक्य है। सुशांत मेरा अच्छा मित्र बन गया लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। अब इस वाक्य में बन गया और रहता दो क्रियाएं हैं। अब ये तो पक्का है कि यह संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य में से है। अब आगे देखो, सुशांत मेरा अच्छा मित्र बन गया, ये अपने आप में पूरा है, मेरे साथ नहीं रहता ये भी, तो दो पूरे पूरे वाक्य होने की वजह से यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब ये वाक्य देखो, रोहन ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। इस वाक्य में दो क्रियाएं तो हैं, लेकिन एक अधूरा वाक्य है, जो है रोहन ने बताया, इसीलिए यह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। और ये जो की है, ये की शब्द वाक्यों को जोड़ने वाला है, जिसे योजक कहते हैं, इसमें लेकिन योजक है। अब तक आपको सरल वाक्य तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, संयुक्त और मिश्रित को और अच्छे से समझते हैं। जब रामानुज आएगा तो सुमित चला जाएगा, आसमान में बादल छा गए परंतु बिजली नहीं चमकी, इन दोनों वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं। जब रामानुज आएगा, इतना बोलकर कोई चुप नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि एक अधूरी सेंस दे रहा है यह वाक्य, इसीलिए यह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाएगा। मिश्रित को मिश्र वाक्य और जटिल वाक्य भी कहते हैं, बात एक ही है। इसमें देखो, आसमान में बादल छा गए एक,
और बिजली नहीं चमकी दो, ये दो पूरे पूरे वाक्य हैं जिसकी वजह से ये संयुक्त वाक्य है। और ये जो परंतु शब्द है ये योजक है। अब सच सच बताऊं तो आपको सरल और संयुक्त वाक्य तो काफी हद तक समझ में आ चुका है, परंतु मिश्रित वाक्य में अभी भी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ना। कोई बात नहीं, अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से ही समझते हैं। देखिए, मिश्रित वाक्य में 99% ये शब्द देखने को मिलेंगे आपको, जैसे यदि, अगर, चूंकि, की कौन सा, जिसमें छोटी की मात्रा होती है, ध्यान रखना छोटी की मात्रा, और ज से शुरू होने वाले शब्द। अगर आपको ये शब्द देखने को मिल जाए किसी भी वाक्य में तो वह 100% मिश्रित वाक्य ही होगा, ध्यान रखना। ज से शुरू होने वाले शब्द कैसे, जैसे जब, जो, जहां, जिसको, जिनको, जिसे, जिससे, जितना, जिसमें, जिन्होंने, जिनके, जैसे, जो, इस तरह से बहुत से होते हैं। एक दो आप भी कमेंट करके बताना, देखते हैं कितने बच्चे समझ गए कि मैं किस तरह के शब्दों की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के शब्द और इस तरह के शब्द अगर आपको किसी भी वाक्य में मिल जाएं तो समझ जाना वह मिश्रित वाक्य ही है। उदाहरण देखिए, आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन सभी में कि, यदि और ज से शुरू होने वाले शब्द हैं, जिसके कारण ये सभी मिश्रित वाक्य हैं। और ये सब मिश्रित वाक्य हैं इस बात से भी साबित होता है कि इन सब में एक एक अधूरा वाक्य जरूर है। जैसे इसमें देखो, वह मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है। जो बाहर खड़ा है, यह वाक्य स्वतंत्र नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यह अधूरा अर्थ दे रहा है। अब समझ गए तो इन तीनों का वाक्य भेद बताइए, देखते हैं आपके तीन में से कितने ठीक होते हैं। वाक्य भेद के साथ साथ वाक्य परिवर्तन भी आता है एग्जाम में। वाक्य परिवर्तन मतलब एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना। जैसे कोई सरल वाक्य आ गया तो उसको संयुक्त या मिश्रित में बदलना, या फिर संयुक्त वाक्य आ गया तो सरल या मिश्रित वाक्य में बदलना। तो इस तरह से इन्हीं को ही वाक्य परिवर्तन कहते हैं। वैसे तो आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का भेद पहचानना आ गया तो वाक्य परिवर्तन भी अपने आप ही आ गया समझो, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरणों से थोड़ा ढंग से सीख लेते हैं। मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है, यह संयुक्त वाक्य है और इसे सरल वाक्य में बदलना है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, पहली है और दूसरी चर रही है। इसको हमें एक बनाना है, क्यों, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है इसीलिए। और शब्द योजक है, इसे भी हमें हटाना पड़ेगा। वाक्य बनेगा, मेरी काली गायें खेत में चर रही है। वाक्य परिवर्तन करते हुए हमें कुछ शब्द हटाने भी पड़ जाते हैं तो कुछ शब्द अपनी तरफ से लगाने भी पड़ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, इसको भी सरल वाक्य में बदलना है, लेकिन बदलने से पहले इसका वाक्य भेद एक बार कमेंट में जरूर बताना, और वो भी रीजन के साथ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए हैं। परिवर्तन देखो, अब इसका होते हैं और लगते हैं दो क्रियाएं हैं। सरल वाक्य के लिए हमें इन्हें एक बनाना पड़ेगा, और जो शब्द है ये सरल वाक्य में आता ही नहीं, तो वाक्य बनेगा, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। एक आखिरी उदाहरण देखिए, तोता पिंजड़े में है और दाल खा रहा है, यह संयुक्त वाक्य है। वैसे आपको लग रहा होगा कि दाल खा रहा है ये तो अधूरा वाक्य है, तो ये तो मिश्रित वाक्य होना चाहिए, है ना। जी नहीं, ये पूरा अर्थ दे रहा है, और वैसे भी कर्ता एक लाइन में बार बार नहीं लिखा जाता, बार बार लिखने से थोड़ा अजीब सा वाक्य हो जाता है। जैसे इसमें देखो, तोता करता है, तो अगर हम ये लिखते कि तोता पिंजड़े में है और तोता दाल खा रहा है, तो बार बार तोता आने की वजह से, यानी कर्ता बार बार आने की वजह से ये वाक्य थोड़ा अजीब सा हो गया है, इसीलिए कर्ता बार बार नहीं लिखा जाता। वैसे वो इनबिल्ट अपने आप ही दूसरे वाले में होता ही है। तो ये संयुक्त वाक्य है और मिश्रित में बदलना है। संयुक्त में भी दो क्रियाएं होती हैं और मिश्रित में भी, तो क्रिया में तो ज्यादा हेरफेर करना नहीं। यदि, अगर, की या ज वाले शब्द इनमें से कोई फिट बैठता है तो वह लगा लो, मिश्रित वाक्य बन जाएगा। जैसे देखो, जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है, ये वाक्य बन गया मिश्रित। एक बात ध्यान रखना, वाक्य परिवर्तन करते हुए वाक्य का भेद ही बदलना है, उसकी सेंस या अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे इसी वाक्य को ले लेते हैं, अगर हम इसका परिवर्तन ऐसे करें, जब तोता पिंजरे में था तब वह दाल खा रहा था,
या फिर यदि तोता पिंजरे में था तो दाल खा रहा था। अब ये वाक्य मिश्रित में तो बदल गए लेकिन अर्थ में परिवर्तन आ गया। इस तरह से गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन के साथ साथ एग्जाम में उपवाक्य भी पूछे जाते हैं। अब ये उपवाक्य क्या बला है, आइए बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उन छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य ही कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी दो उपवाक्य हैं और इसमें भी, लेकिन क्या सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते? जी नहीं, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है जिसके कारण एक ही वाक्य बन पाता है, इसीलिए इसमें उपवाक्य होते ही नहीं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। पहले संयुक्त वाक्य के बारे में बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य में जो दो उपवाक्य होते हैं उनमें पहला प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। ये तो आसान था, याद रख लोगे आसानी से और हो भी गया होगा याद। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य छांटने के लिए कहा जाए तो ये इतना आसान नहीं है। मिश्रित वाक्य में ऐसा नहीं कि पहला प्रधान और दूसरा आश्रित, इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। एक ट्रिक से बहुत आसानी से सीख लेंगे। देख, आपको पता ही है कि लगभग हर एक मिश्रित वाक्य में कि, यदि, अगर और ज वाले शब्द मिलते हैं। पहले की के बारे में देखो, की के पहले वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होगा और की के बाद वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे राम ने कहा कल की छुट्टी है, पहले उपवाक्य छाटो। राम ने कहा एक उपवाक्य और कल की छुट्टी है दूसरा उपवाक्य। अब देखो की से पहले वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाएगा और बाद वाला आश्रित उपवाक्य। ऐसे ही इस उदाहरण में भी की से पहले वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य और बाद वाला आश्रित उपवाक्य। ऐसे ही जितने भी की वाले शब्द हैं यानी की वाले वाक्य हैं उन सब में यही फॉर्मूला लगेगा। की के अलावा यदि, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द भी आते हैं मिश्रित वाक्य में, उनकी पहचान भी अब ध्यान से सुनना। जिस भी उपवाक्य में ये वाले शब्द आ जाए तो वो वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य ही होगा और बाकी बचा हुआ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। उदाहरण देखिए, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया था, पहले उपवाक्य छाटो। यह वही व्यक्ति है एक उपवाक्य और जिसने मुझे परेशान किया था दूसरा उपवाक्य। ज से शुरू होने वाला शब्द इस उपवाक्य में आया हुआ है तो ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य और ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे। इन दो उपवाक्यों में ज वाला शब्द इस उपवाक्य में है तो ये आश्रित हो जाएगा और ये प्रधान उपवाक्य। एक और देखो, यदि तुम घर आते तो मैं भी आता। इसमें यदि इस वाले उपवाक्य में आया है तो ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और ये प्रधान उपवाक्य। अब समझ आ गया तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब इसमें आश्रित उपवाक्य आप छाट कर बताओ, देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक ध्यान से सुन रहे हैं। वाक्य के अंदर उपवाक्य होते हैं और उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। लेकिन आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं और वो भी तीन, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आएंगे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। एग्जाम में आपसे प्रधान उपवाक्य छाटने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से बता दोगे क्योंकि आप सीख चुके हो। लेकिन अगर आपसे आश्रित उपवाक्य के बारे में पूछा जाए तो आपको इन तीनों भेदों में से ही बताना पड़ेगा और कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले ही हम सीख चुके हैं कि जिस वाक्य में की शब्द आ जाए उससे पहले वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और उसके बाद वाला आश्रित उपवाक्य। लेकिन आश्रित का कौन सा भेद होगा? आश्रित का भेद होगा संज्ञा उपवाक्य, मतलब जिस वाक्य में की आ गया उसके बाद वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य ही होगा। संज्ञा उपवाक्य सिर्फ की वाले वाक्य में ही होगा, ध्यान रखना। जैसे इस उदाहरण में भी ये वाला संज्ञा उपवाक्य है और ये प्रधान उपवाक्य। एग्जाम में आपसे आश्रित उपवाक्य मिश्रित वाक्यों में से ही पूछे जाएंगे और मिश्रित वाक्यों में आपको की, यदि, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द ही मिलते हैं।
इनमें की तो क्लियर हो गया कि ये संज्ञा उपवाक्य में होगा, और बाकी बचे कितने शब्द, बाकी बचे तीन शब्द। एक्चुअल में तीन नहीं है, ज से शुरू होने वाले शब्द तो बहुत से होते हैं, यानी कई होते हैं। तो इन सब को मिलाकर मान लेते हैं इन सब को मिलाकर 30 से 35 शब्द बन गए। मान लो इन 30-35 शब्दों में से ये 9 शब्द मैंने अलग कर लिए, ये 9 शब्द ही हैं जो विशेषण उपवाक्य में आएंगे, और बाकी बचे हुए जितने भी शब्द हैं वे सब के सब क्रिया विशेषण में ही आएंगे। वो चाहे 20 बच गए या 25, जितने भी हैं बाकी बचे हुए सब के सब क्रिया विशेषण में आएंगे। थोड़ा कम समझ में आया हो तो उदाहरण से आपको सब क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखो, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। इस वाक्य में ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है, लेकिन आश्रित का कौन सा भेद, इसमें जो शब्द आया है, जो शब्द आता है विशेषण उपवाक्य में, इसीलिए ये विशेषण उपवाक्य है। जिसको तुमने देखा था वह तो बीमार है, इसमें जिसको तुमने देखा था विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जिसको शब्द विशेषण उपवाक्य में आता है। मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था, इसमें यह तो प्रधान उपवाक्य हो गया और बचा हुआ वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा, क्योंकि जैसे शब्द ना तो इसमें है और ना ही इसमें, इसीलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। मतलब साफ सा है, आपको सिर्फ ये 9 शब्द याद रखने हैं, आपको क्रिया विशेषण के शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि की वाले जो शब्द हैं वो तो संज्ञा उपवाक्य में आ गए, और ये 9 शब्द शायद आपको याद भी हो गए होंगे, ये 9 शब्द विशेषण उपवाक्य में आएंगे, और बाकी बचे हुए यदि, अगर, जहां, जैसे, जिस तरह वगैरह 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 सब के सब क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान है। अब इसमें आप बताओ आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, देखना चाहता हूं कौन कौन पूरा टॉपिक अच्छे से समझ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और इसी तरह से और भी टॉपिक्स को ट्रिक्स के साथ सीखना चाहते हो तो व्याकरण का फ्री क्रैश कोर्स आ चुका है, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके ही हो तो एक टिप्स और देता हूं, जब भी आप किसी वाक्य में कर शब्द देख लो तो उसे क्रिया मत समझ लेना। जैसे राम थोड़ी देर तक बैठकर अपने घर चला गया, इसमें बैठकर वैसे तो ये क्रिया है, परंतु इसी टॉपिक के लिए आप इसे क्रिया मत समझ लेना। अगर क्रिया समझोगे तो इसमें 2 क्रियाएं हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि यह संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य में से है, जबकि यह सरल वाक्य है। एक बार फिर कह रहा हूं, कर शब्द किसी शब्द के पीछे लगा हो तो उसे इस टॉपिक में क्रिया मत समझना।